नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में, जहां पर एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सान्निध्य में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक होर्डिंग लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 से 14 जून तक एक विशाल भंडारे और एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर साल प्रकट दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें देश विदेश से उनके अनुयायी और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के जो भी गांव हैं, वहां से बहुत संख्या में लोग, माताएं, बहनें सब आते हैं भंडारे में और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम मुंडका, जो कि यहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पर है, और वहाँ की व्यवस्था देखते हैं किस प्रकार वहाँ पे व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका, जहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हुए हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे भंडारे का आयोजन हो रहा है और काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसी व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। इतना आप देख पा रहे हैं कि कितना शांतिपूर्वक भंडारा चल रहा है और सभी प्रेम के साथ और एक साथ बैठकर पंगत में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं, मेरे सीधे हाथ पे प्रणाम स्थल है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते हैं और प्रणाम करते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं, माताएं आई हुई हैं भंडारे में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे आश्रम में जो पुस्तकालय है वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लिखित सदग्रंथ हैं वो दिए जाते हैं। मेरे पीछे एक रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में अनुयायी पहुँच रहे हैं, जिनके भोजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी मशीन से रोटी निकल रही हैं उनको देसी घी से लगा के तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा है और उसके लिए प्रसाद की तैयारी चल रही है। बूंदी प्रसाद बन रहा है जिसका कि देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में सेवादार लगे हुए हैं जो दिन रात प्रसाद बना रहे हैं, ताकि कोई प्रसाद की कमी ना पड़े, चाहे कितने भी अनुयायी यहाँ पे आ जाएं। हमारे बीच में यहाँ पे एक सेवादार हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर क्या चल रहा है जी? यहाँ पर 625वां कबीर साहब प्रकट दिवस का समारोह है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में है, और ये विशाल भंडारा जिसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर है। और यहाँ पर एक जगह नहीं, ऐसे 9 आश्रम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की, वहाँ पर सभी जगह इतना बड़ा प्रोग्राम है। कितने अनुयायी आने की आपको यहाँ पे उम्मीद है? यहाँ पर तो जैसे नेपाल है और हमारे 3-4 स्टेट हैं, यहाँ पर 1.5 लाख तो संगत आएगी, और जो अदर स्टेट हैं अपने और आश्रम हैं वहाँ पर भी कहीं 2 लाख हैं, ऐसे मान लो 80-90 लाख यहाँ पर संगत है हर जगह आने के लिए आने की हो सकता जी। प्रसाद के बारे में बताएं कि आप किस प्रकार से ये प्रसाद तैयार करते हैं? वो गुरु जी की दया से यहाँ पर जो प्रसाद है, जो बूंदी प्रसाद बन रहा है, ये कुछ 250 कुंटल का बन रहा है, जो 200 कुंटल चीनी है और 50 कट्टे बेसन के हैं, और 4,500 टीन के तो घी का प्रोग्राम है, और 4,000 हलवाई बुलाए गए हैं यहाँ पर, जो अपने बढ़िया सेवादार हैं, साथ में इनके हेल्पर भी हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है परमात्मा की दया से। और आपको यहाँ पर और इधर पीछे भी पंडाल लगाया गया है जिसमें लाखों लोग आने की संभावना है। पर धन्यवाद जी। ये सतलोक आश्रम के अंदर का नज़ारा, जहाँ पे प्रसाद का बनाया जा रहा प्रसाद, यहाँ पे जैसा कि आप ये देख रहे हैं हलवाई जो लगे हुए हैं वो बूंदी प्रसाद बना रहे हैं। अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका में हैं, हमारे बीच में यहाँ पे एक सेवादार हैं जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की यहाँ भंडारे में व्यवस्था की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से संगत आ रही है आपके? देखो भगत जी, यहाँ 6-7 स्टेटों से आएंगे, जैसे जो अपना
झारखंड है, बिहार है, नेपाल है, दिल्ली है, हरियाणा है और कई स्टेटों से। उनके लिए आपने यहाँ पे किस प्रकार व्यवस्था करी है? हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की गुरु जी महाराज की दया से उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। रहने के लिए कम से कम भी 2 एकड़ में पंडाल लगाया हुआ है, टेंट लगाया हुआ बढ़िया, नीचे मैट बिछाए हुए, पंखे कूलर लगाए हुए हैं और उनके खाने पीने के लिए भी कम से कम भी 2 किलो में पंडाल लगाया हुआ है। उसके अंदर भी कूलर पंखे लगाए हुए हैं, बिजली की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था अलग से की गई है और नहाने धोने के पानी की व्यवस्था अलग से की गई है, बहनों के लिए अलग से की गई है, भाइयों के लिए अलग से की गई है। परमात्मा की दया से सारी व्यवस्था ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में अंदर हलवाई प्रसाद बना रहे हैं और माताएं बहनें भी सब्जी बना रही हैं, रोटी सेवा भी चल रही है, कितने अनुयायी पहुंच चुके हैं अभी तक? हमारे अंताजी में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल गुरु जी महाराज की दया से कम भी 5,000 अनुयायी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब अब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद जी।